कल बच्चे को चलना है। गिराना चाहते हैं? हम नहीं चाहते, हम खून खराबा नहीं चाहते। आप मुझसे मिले और बात करें, आपके अहकाम क्या हैं, मुझ तक पहुंचाएं, जो वारंट है मुझे दिखाएं, मैं उसको पढ़ूंगा, मैं उसको समझूंगा और समझकर मैं अपने चेयरमैन से बात करूंगा और मैं वकला से मशवरा करूंगा और हम एक बाहमी मशावरत से एक रास्ता निकालने के लिए तैयार है, ताकि ताकि खून खराबा न हो। यहां पहले एक लाश जिले शाह की गिर चुकी है, ये और न गिराए। ये मेरा पैगाम है पुलिस से कि बिला वजह यहां अफरा तफरी पैदा ना करें, खौफ व हरास पैदा ना करें। मैं समझता हूं लाठी चार्ज, आंसू गैस का इस्तेमाल और वाटर कैनन्स का इस्तेमाल, वर्कर्स पर तशद्दुद बिला जवाज है, इसको फिल फॉर बंद किया जाए। मुझे लग रहा है कि कल की रैली और मीनार पाकिस्तान के जलसे ने हुकूमत के हवास बाख्ता हो गए हैं और इनके पांव तले से जमीन निकल गई है। जो लोगों में उन्होंने जोश और जज्बा देखा है कि इनकी फसताइयत के बावजूद हम पुरमन रहे, हमने एक मरतबा नहीं दो मरतबा अपनी रैली को मुलतवी किया, हमने कानूनी कार्रवाई की, हमने अदालतों का सहारा लिया, हम इलेक्शन कमीशन में हमने अपनी पिटीशन दाखिल की कि एक तरफ इंतखाबात का अमल जारी हो चुका है, आज दरखास्तें नॉमिनेशन पेपर जमा हो रहे हैं, हमारी सारी लीडरशिप और हमारे जितने पार्टी के दोस्त हैं वो अपने अपने इजला में अपने नॉमिनेशन पेपर दाखिल करने गए हुए हैं। उसकी आड़ में ये जो इन्होंने छापा मारा है और जो हरकत की है ये नुकसान करने के लिए तुले हुए हैं। हम नुकसान नहीं चाहते, ना इमलाक का ना जानी नुकसान चाहते हैं, इसलिए मैं आज भी कह रहा हूं और अब भी कह रहा हूं कि मैं डीआईजी साहब से मिलने जा रहा हूं। मेरे साथ और दोस्त हैं, पार्टी की सीनियर लीडरशिप के दोस्त भी हैं, वो मुझे बताएं उनके यहां आने का मकसद क्या है, मुझे बताएं, मैं उनकी बात समझता हूं, मुझे वारंट दिखाएं, मैं पढ़ता हूं, फिर मैं खान साहब के साथ जाके बात करूंगा और वकला से मशवरा करूंगा और फिर एक माकूल रास्ता निकालने की तलाश करूंगा ताकि यहां खून खराबा न हो। ये है हमारा मकसद, ये है हमारा ऑब्जेक्टिव। जी भाई, ये बताइएगा कि अगर वो किसकी जो उन्होंने हमारे कारकुनान को पीटा है और जो तशद्दुद किया है बीबी, क्या उसका भी कोई मजम्मत करेगा? देखिए देखिए, ये मीडिया ने तो रिपोर्ट करना है, आप पुलिस की तर्जमान तो नहीं हो सकते ना, आप पुलिस की तर्जमानी मत कीजिए, अपना सवाल कीजिए। मैं आपका सवाल समझ गया हूँ, उन्होंने जो हम पर तशद्दुद किया है वो क्या है? नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, एक सेकेंड मैं बताऊं, वो ऑर्डर मुझे बताए ना क्या है, मैं वो ऑर्डर समझना चाहता हूं, मैं ऑर्डर देखना चाहता हूं, देखकर समझकर मैं अपने चेयरमैन को अपनी दानिश के मुताबिक एक रास्ता दूंगा। मैं एक सियासी कारकुन हूं, मैं उनको रास्ता दूंगा, मैं सियासी माकूल रास्ता दूंगा जिसमें कानून का भी और जानों का भी एहतराम किया जाए। ठीक है, सीनियर तो आप बुरा मना जाते हैं, कोई बुरा नहीं मनाया। आप ये बता दें कि आपके अपने जो कारकुन है सारे, पर हबीब साहब बाहर आए हैं, हसाम नियाजी साहब वो कह रहे हैं इमरान खान अंदर है ही नहीं। गलत बात है, मैं गलत बात नहीं करूंगा ना, आप हमारी भी सुन लें। आप और दूसरी बात ये बता दें कि जिस तरह आपने कहा इस्लामाबाद पुलिस जो है वो परसों से लाहौर में है, आपको अभी तक पता नहीं चला वो क्या करने हैं? सुन लीजिए, उनके इरादे
हम उनके इरादों से गाफिल नहीं हैं। भैया हमने कानूनी चारे जो की हुई है, इमरान खान इज अंडर प्रोटेक्टिव बेल। मुझे समझाएं ना, मुझे कानूनी तौर पर कायल कर दें कि एक शख्सियत जिसको हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल मिली हुई है, वो तो एक केस में मिली है। भाई सुन लेना यार, जी जी, अब आप देखें, मुझे तो बात करने दें, आपने सवाल करें, किया आप करें, जरूर करें। उनको प्रोटेक्टिव बेल मिली हुई है, ठीक है। मैं समझना चाहता हूं उस प्रोटेक्टिव बेल के बावजूद क्या क्यामत टूट पड़ी कि उन्होंने आज ही गिरफ्तार करना है। समझा देना, अगर उनकी बात में कोई वजन हुआ तो मैं समझूंगा और चेयरमैन से बात करूंगा। तशद्दुद बंद करें, लाठीचार्ज बंद करें, आंसू गैस का और केमिकल वाली आंसू गैस का इस्तेमाल बंद करें, वाटर कैनन बंद करें। मैंने बिल्कुल कारकुनान से गुजारिश की है कि हमने पुरअमन रहना है, ठीक है। लेकिन हम समझना चाहते हैं कि वो उनका एजेंडा क्या है, क्या वो यहाँ लाशें गिराने आए हैं, क्या उसकी आड़ में इलेक्शंस को मुलतवी करवाना चाहते हैं, क्या कल की रैली का ये रद्द अमल है, क्या मीनारे पाकिस्तान के जलसे से खायफ हो चुके हैं ये, क्या निगरान हुकूमत के यही काम है, क्या ये न्यूट्रल सेटअप है, क्या इसको एक गैर जानबदार सेटअप कहेंगे जिसने इलेक्शन को ओवरसी करना है। ये सब चीजें, ये सब अंदर नहीं है मौजूद, नहीं है अंदर मौजूद। मैं यहाँ सड़क पे खड़ा हूँ भाईजान, मुझसे मिल लेना, मुझे मिल लेना, मैं घर पे तो नहीं बैठा ना, घर तो अंदर है ना। नेस्ले माय